भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट शिमला पहुंची। शिमला पहुंचकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महिला विकास के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। बात चाहे गृहिणी सुविधा योजना के जरिए सिलेंडर उपलब्ध करवाने की हो या बेटियों की शादी के लिए शगुन योजना की, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महिला विकास के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बबीता फोगाट ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार महिला विकास की दृष्टि से बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के जरिए महिलाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की ओर से किए जा रहे सवाल पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को महिला सम्मान पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां महिलाओं का अपमान ही होता है। बबीता फोगाट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। पार्टी की ओर से महिलाओं को टिकट भी दिया जाएगा। और हमारे राज्य की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब महिलाएं उसका भरपूर मात्रा में लाभ उठा रहे हैं। और आज पूरी जो है हिमाचल प्रदेश की जनता महिला और खासकर जो महिलाएं हैं वो जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री जी के राज्य की सरकार से बहुत खुश है। इसके अलावा मैम आप महिला की भले ही समस्याएं अलग हो लेकिन उन समस्याओं को जानते हुए हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उन समस्याओं का निवारण भी किया है और हमारी महिलाओं बहनों को वहां तक उनको वो सुविधा भी प्रोवाइड करवाई है। चाहे वो उज्ज्वला योजना को लेके हो, चाहे वो गृहिणी योजना को लेके हो, चाहे नारी को नमन लेके योजना हो, चाहे वो राजनीति के अंदर 50% जो आरक्षण को लेके हो, तो हर क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान दिया गया है और उनको आत्मनिर्भरता की ओर उनको लेके जाया गया है ताकि वो आत्मनिर्भर भी बन सके। प्रदेश में चुनाव है और लगातार कांग्रेस में कांग्रेस को मैं एक चीज उनका ध्यान मैं दिलाना चाहूंगी कि जब कोरोना के दौरान पूरा देश में हाहाकार मची हुई थी उस टाइम पे भारतीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मजबूती के साथ उन लोगों से लड़के कोरोना से लड़ते हुए जूझते हुए भी पूरे परिवारों की हेल्प की और यहाँ तक कि हमारे 3-3 वैक्सीन आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत देश के अंदर कि भारत देश खुद की अपनी वैक्सीन बना सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे आए हैजा की हो, मलेरिया की हो, कितनी भी बीमारियां है लेकिन उसका आज तक किसी ने कोई इलाज नहीं ढूंढा। लेकिन सबसे पहले अगर कोरोना का किसी ने अगर कोरोना से हराने के लिए अगर वैक्सीन ढूंढी तो भारत देश ने ढूंढी थी और उसी का ही परिणाम है कि आज भारत देश स्वस्थ भी है और कोरोना से बहुत अच्छे से मजबूती के साथ लड़के आज जीत भी चुका है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तो शायद अभी भारतीय जनता पार्टी की पैरों पे चलना स्टार्ट किया है, नकल करने लगे हैं। नहीं तो हमने कहीं उनके मुझे लगता है टिकट बंटवारन क्या उनके नाम पे ही महिलाओं के नाम पे सिर्फ अभद्र भाषा हमने सुनाई दी है और महिलाओं के प्रति उनका कभी ध्यान ही नहीं गया। और बात मैं करूं कि अगर आप विकल्प की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी कोई पार्टी यहां पे कोई दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी पार्टी तो मुझे नाम ही नहीं सुनाई दिया, ये आपके मुंह से मैं सुन रही हूँ, किसी से के मुंह से भी नाम नहीं सुना है। तो मैं कहने लग रही कि भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी कोई पार्टी दिखाई नहीं देती। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।